हाय मेरे YouTube फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुबह सोचा कि थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे निकला जाए, तो मॉर्निंग वॉक के लिए अभी मैं निकल चुका हूँ रोड पे। आज सुबह की टेम्परेचर की अगर बात करें तो आज का टेम्परेचर सेल्सियस के हिसाब से यहाँ 4 डिग्री टेम्परेचर है, और अगर फ़ारेनहाइट के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे अभी 39 फ़ारेनहाइट है। राइट, अभी मैं यहाँ पे चल रहा हूँ देखिए सैर के लिए। अभी आपको आगे रास्ते में दिखाऊंगा कि यहाँ पे लोग जो सुबह सैर के लिए निकलते हैं वो सैर पे निकलने के साथ साथ रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं। अभी आपको मैं यहाँ पे रोड पे जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं उस तरीके से उनको दिखाता हूँ। कि यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो राइट साइड पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी हैं। आप सोच रहे हैं कि दोनों तरफ गाड़ी लगी तो इसमें क्या ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। मैं इसलिए आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि जो लेफ्ट साइड पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, अगर आप लेफ्ट साइड पे रोड पे जाएंगे तो आपको पार्किंग के टाइम पे ये ध्यान देना है कि आप लेफ्ट साइड की तरफ ही अपनी गाड़ी का मुंह रखेंगे, और जो अगर आपने राइट साइड की तरफ अपनी गाड़ी रखी हुई है तो आप राइट साइड पे ही जाएंगे। ये नहीं कि आप कहीं भी किसी भी तरीके से उल्टे सीधे तरीके से यहाँ गाड़ी लगा सकते हैं। यहाँ पर रूल्स को बहुत फॉलो किया जाता है, तो मैं कहूँगा कि जो यहाँ रहने वाले इंडियंस हैं वो रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि ये रूल्स का देश है। अब हम आगे बात करेंगे कि जो यहाँ पे रोड्स पे पैदल चलने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या रूल्स हैं और वो रूल्स को किस तरीके से फॉलो करते हैं, और फॉलो करने के साथ साथ जो रोड्स पे रेड लाइट्स हैं जो पैदल चलने वालों के लिए हैं वो कैसे किस तरीके से दिखाई जाती हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपके सामने आ गया, यहाँ से पता चल गया कि जो यहाँ निकलने वाले लोग हैं, ये देखिए। और ये जो आपने सामने ये येलो कलर का बोर्ड आपको दिख रहा है, ये येलो कलर के बोर्ड को इसीलिए दिखाया गया है कि जो इस रोड से पैदल निकलना चाहता है वो इस रोड से इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अकॉर्डिंग इस रोड को क्रॉस कर सकता है। अब उस क्रॉस करने के लिए क्या सीन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब हम यहाँ जाएंगे और इसके पास देखिएगा, ये इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये बटन दे रखा है, और इसके ऊपर ये इन्होंने पैदल चलने वालों के लिए ये स्पेशली निशान बना के रखा हुआ है कि आपको जब पैदल चलना है तो आप रोड के ट्रैफिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस बटन को दबा सकते हैं। अब मैं सामने आपको बटन को दबा के दिखाता हूँ। देखिए, अब जो यहाँ पे है ये नॉर्मली सब लाइट्स यहाँ पे ऑन हो जाएंगी। ये देखिए, ये आपको लाइट दिख रही है, ये सब लाइट आपको दिखने के कारण यहाँ पे जितना भी ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है वो आपको सारा का सारा ट्रैफिक स्लो होता हुआ दिखाई देगा। वो इसलिए स्लो हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये लाइट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको रुकना पड़ता है। राइट, अभी जो बात हो रही है वो हम लोग सोचते हैं कि साथ में स्कूल्स को थोड़ा सा ऐड कर लिया जाए। यहाँ पे 3 तरह के स्कूल होते हैं, एलिमेंट्री, मिडिल स्कूल्स और हाई स्कूल्स। जो ये 3 स्कूल्स होते हैं, जो एलिमेंट्री स्कूल है वो मोस्ट ऑफ द टाइम 1st क्लास से लेके 6th क्लास तक होते हैं, और ये अलग अलग तरीके से होते हैं। और जो मिडिल स्कूल्स हैं वो मिडिल स्कूल मोस्ट ऑफ द टाइम 6th क्लास से लेके 10th 11th तक होते हैं, और जो हाई स्कूल्स हैं वो आगे 12th तक होते हैं। आगे आप देखेंगे कि हम जब कभी मैं अभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अभी स्कूल के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपको इसमें डाल के बताऊंगा, तो आप मुझे बताइएगा कि स्कूल्स दोनों में कंपैरिजन क्या है। थैंक यू। सुबह सैर पे निकलते हुए मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैं सोचा कि एक स्कूल के आगे से निकल रहा हूँ तो एक बार आप लोगों को यहाँ के स्कूल भी दिखा दें कि स्कूल किस तरीके के होते हैं। राइट, और यहाँ जो स्कूल है, किस दिन मैं इस स्कूल के ऊपर भी वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो स्कूल हैं वो स्कूल किस तरीके से अपने यहाँ पे सिस्टम्स को लागू करते हैं। अभी मैं आपको यहाँ रोड पे दिखा रहा हूँ कि रोड पे देखिएगा, आपको सफाई देखे, यहाँ पे कोई नगर निगम वाला सफाई करने नहीं आता,
यहाँ लोग ही इतने ज्यादा समझदार हैं कि अपने घर के बाहर की सफाई वो खुद करना पसंद करते हैं। कोई भी लिफाफा, कोई भी कागज, कोई भी बोतल आपको रोड पे गिरी हुई नहीं दिखेगी। अभी आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये आप सामने देखेंगे, ये ग्रीन कलर और ग्रे कलर और ब्लैक कलर, ये तीन तरह के ये गार्बेज बॉक्सेस होते हैं यहाँ पे, जो लोग अपने घर के बाहर जो गार्बेज बॉक्सेस रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि कल को अगर यहाँ पे कोई सामान हम लोग अपने घर से कूड़ा करकट निकालते हैं वो इन बॉक्सेस के अंदर रखें। और इन बॉक्सेस के अंदर रखने का मतलब है कि जो भी सुबह इनकी तरफ से गाड़ी आएगी इनको लेने के लिए, वो इनको लेके अपने साथ चली जाएगी। और ये देखिए, ये है एक स्कूल का नज़ारा जो मैं आपको बाहर से अभी दिखा रहा हूँ। मैं किसी और दिन इस स्कूल की वीडियो बनाऊँगा, अंदर से आपको कैसा स्कूल दिखता है, इनकी क्लासेस कैसी दिखती हैं, स्कूल कैसे होने चाहिए यहाँ पे, और उसमें वो क्या क्या खास चीज़ें हैं जो स्कूल को अलग बनाती हैं सब देशों से। फिलहाल हम आपको अभी थोड़ा बाहर से दिखाते हैं कि बाहर से ये स्कूल कैसे लगते हैं। चलिए, आज सुबह जब हम लोग सैर पे निकले हैं तो मैं सोचा कि आप लोगों को ये भी दिखा दें कि यहाँ पे गली मोहल्लों के अंदर, जैसे इंडिया में होता है ना कि गली मोहल्लों के अंदर दुकानें खुल जाती हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर एक स्पेस रखी जाती है, उस स्पेस के अंदर ही आप अपने दुकान को यहाँ खोल सकते हैं। और ये पर्टिकुलर जो स्पेस होती है वो एक मार्केट के अकॉर्डिंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो उस तरीके से बनाए जाते हैं कि लोग वहाँ पे अलग अलग स्टोर्स के हिसाब से अलग अलग दुकानें जो यहाँ खुलती हैं यहाँ आके शॉपिंग कर सकें। यहाँ एक और चीज़ देखिएगा, जो भी यहाँ पे गाड़ी लोगों ने पार्क कर रखी है वो ये दोनों वाइट लाइंस के अंदर पार्क कर रखी हैं ताकि यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सके। लोग इतने ज़्यादा समझदार हैं यहाँ पे कि उनको पता है कि गाड़ियाँ किस तरीके से पार्क करनी है ताकि आने जाने वालों को, जो लोग हैं उनको ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े। जो भी आए वो अपने तरीके से गाड़ी को पार्क करके अपनी शॉपिंग करना चाहता है वो अलग तरीके से शॉपिंग कर सकता है। यह बात शुरू करते हैं कि लोग अपने कपड़ों को कैसे लॉन्ड्री मशीन्स में डालकर कैसे धोते हैं। यहाँ आपके सामने जो ये लॉन्ड्रो मैट का आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस स्टोर के अंदर लोग अपने कपड़ों को कैसे धोते हैं, किस तरीके से धोते हैं, कैसी मशीनें होती हैं, किस तरीके के साथ उनको रखा जाता है, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आगे तक बने रहिए, कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अब हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं। अब आप देखिएगा ये सारी मशीन जो हैं, अब आपके सामने, ये सामने आपको दिख रहा है, ये टोकन मशीन्स है जिसमें आप क्वार्टर से लेके $1, $3, वो जब आप जितनी देर तक अपना कपड़ा छोड़ना चाहते हैं, ठंडे पानी में धोना चाहते हैं या बॉयल्ड पानी में धोना चाहते हैं, ये सब मशीनों में लोगों के कपड़े ऑलरेडी लगे हुए हैं। और इसके ऊपर एक टाइमिंग दी हुई है कि आप जो भी कपड़ा इस मशीन में डालते हो, उस मशीन में डालने के बाद वो इतने टाइम के बाद आपका कपड़ा धुल के सूख के बिल्कुल बाहर आ जाएगा। आप अपनी मशीन्स को 45 मिनट से लेके 1-1.5 घंटे तक इन्हें ब्लॉक कर सकते हैं ताकि आप जिस मशीनों को आप अपने लिए बुक करके जाएंगे उसमें आपका कपड़ा ही रखा रहेगा और ये बिल्कुल सेफ है, कोई यहाँ से कपड़े निकालता नहीं है और आपके बहुत ही अच्छे कपड़े धुल के बाहर निकल के आते हैं दोस्तों।